देश की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक है शोले। शोले दो दोस्तों की ऐसी कहानी है जहां एक दोस्त जय हर बार अपने दूसरे दोस्त वीरू को बचाने के लिए अपने पास एक ऐसा सिक्का रखता है जिसके दोनों तरफ हेड है, और तमाम तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद वो दोनों दोस्त मोटरसाइकिल पर गाते हुए दिखते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर साथ ना छोड़ेंगे। मुंबई यूं तो फिल्म नगरी है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स में सब कुछ फिल्मी नहीं है, और इसलिए सिर्फ दोस्ती की खातिर कोई भी अपना कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर गेम है। हाँ, फिल्मों की तरह हीरो वही है जिसकी कहानी हिट हो जाए। इस महीने 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र की हर पोलिंग बूथ पर लगने वाली फिल्म में किसकी कहानी हिट होगी, इसके लिए कैंपेन शुरू हो गया है और सबकी नजर पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस पर है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आज विजय चौक में बात महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले दो दोस्तों में नरम गरम होते रिश्तों की। बॉलीवुड की तरह यहां भी इस बार शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे चुनावी राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें भी खास बात यह है कि शिवसेना के मुखिया ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री कर रही है, डेब्यू कर रही है, यानी बड़ा फैसला। और ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पर सबसे करीबी सहयोगी दोस्त माने जाने वाले परिवार के मुखिया की ना मौजूदगी तो सवाल भी उठने लगते हैं। नाक भौंसी कोड़ने वाले लोग भी आ गए और कुछ चुपचाप मुस्कुराने और भविष्य की राजनीति की तरफ देखने वाले लोग। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उतरने के लिए मुंबई की वर्ली सीट से पर्चा भर दिया, लेकिन इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस मौजूद नहीं थे। बताया गया कि फडणवीस साहब ने आदित्य को फोन पर ही आशीर्वाद दे दिया। इसे आप डिजिटल इंडिया के जमाने का आशीर्वाद मान सकते हैं। वर्ली सीट मुंबई की गुजरातियों की डोमिनेटेड सीट है, वहां पर गुजराती बिजनेसमैन ज्यादातर रहते हैं। वैसे आपको याद होगा कि एक जमाने में शिवसेना ने गुजरातियों के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था, लेकिन उसके बाद से शिवसेना और गुजरातियों के रिश्ते ऐसे हैं जैसे कि फिल्म हो हम साथ साथ हैं। शिवसेना के राज्यसभा में नेता संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के पर्चा भरने से पहले कहा कि आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम नहीं, सीएम पद के दावेदार हैं। आदित्य ठाकरे ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा है और उनका कोई प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव नहीं है, लेकिन संजय राउत राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं तो इससे कम तो बोल भी नहीं सकते साहब। अब दूसरी तरफ देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बीजेपी के पहले सीएम हैं और पिछले चुनाव में तब सीएम बने जब 30 साल में पहली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। तब फडणवीस और कुछ लोकल लीडर्स ने अमित शाह और बीजेपी हाईकमान को इस बात का भरोसा दिला दिया कि शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने में ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। और पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच भूमिका बदल गई, बीजेपी बड़ा भाई और शिवसेना छोटे भाई हो गए। इसके साथ ही उस वक्त फडणवीस ने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के सीएम बनने के सपनों पर भी पानी फेर दिया। अभी चुनावों के ऐलान से पहले जब बीजेपी की महाजनादेश यात्रा निकल रही थी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से नागपुर में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि पाटिल साहब, यदि आपको सीएम बनने का मौका मिला चुनाव के बाद तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे? इस पर पाटिल साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने पत्रकार से उल्टा सवाल पूछा कि यदि आपको मौका मिले तो क्या आप इनकार करेंगे? इसके अगले दिन चलते हैं पुणे। पुणे में मेरे सहयोगी मनीष कुलकर्णी ने पाटिल के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया कि भाई साहब, आप इस तरह के सवालों में पाटिल साहब को मत फंसाइए, वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं और मुख्यमंत्री तो मैं हूँ और चुनाव के बाद भी मैं ही बनूंगा, यानी शाहरुख खान स्टाइल में उन्होंने कहा मैं हूँ ना।
तो फडणवीस साहब अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता के लिए जब सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है तो उनसे क्या आप ये उम्मीद करना चाहते हैं कि वो शिवसेना के सीएम पद के दावेदार आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, आशीर्वाद देंगे? इस राजनीतिक रिश्ते में एक बात और है। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे औपचारिक तौर पर भले ही खुद को शिवसेना प्रमुख नहीं कहलवाना दिखना चाहते क्योंकि ये पद बाल ठाकरे साहब के लिए है, लेकिन वो ये उम्मीद जरूर करते हैं कि दूसरे लोग उनसे ऐसे ही बर्ताव करें मानो वो शिवसेना प्रमुख हैं और हर कोई उनके दरवाजे पर ही पहुंचे। वो पिछली बार फडणवीस से भी यही उम्मीद कर रहे थे लेकिन फडणवीस ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक बात और, आमतौर पर माना जाता है कि परिवार में पिता अपने अधूरे सपने को अपने बेटे अपनी संतान के माध्यम से पूरा करना चाहता है। लगभग ये बात उद्धव और आदित्य के रिश्ते में भी खरी उतरती है। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे की धर्मपत्नी रश्मि ठाकरे ने शिवसेना के किसी बड़े नेता के सामने ये इच्छा जाहिर की थी और शायद यही वजह रही होगी कि पिछली बार उद्धव बीजेपी से किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे। लेकिन साहब, चुनाव नतीजों ने राजनीतिक सूरत ही बदल दी और शिवसेना के बजाय पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन राजनीति में तो सिर्फ नंबर गेम चलता है ना, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। अब इस बार शिवसेना अपना ही मुख्यमंत्री चाहती है और पहली बार ठाकरे परिवार चुनाव मैदान में है। मुझे याद है कि 30 साल पहले वाजपेयी और आडवाणी की लीडरशिप में बीजेपी शिवसेना का रिश्ता परवान चढ़ा और बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं के बाला साहब ठाकरे से बेहतर रिश्ते थे, उनका वहां आना जाना भी था। फिर 1998 से दोनों पार्टियां सरकार में साथ साथ रहीं, शिवसेना एनडीए का हिस्सा भी रहा। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के वक्त नितिन गडकरी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर बहुत शोहरत हासिल की। उस वक्त बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन के बाला साहब से बेहतर रिश्ते थे, वे और गोपीनाथ मुंडे दोनों लोग इस काम को देखते थे। 1995 से 99 तक शिवसेना और बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार रही और फिर 99 से 2014 तक दोनों लोग विधानसभा में साथ में विपक्ष में भी बैठे। लेकिन 2012 में शिवसेना प्रमुख के निधन और आडवाणी वाजपेयी के बीजेपी की राजनीति की मुख्य धारा से अलग होने के बाद दोनों पार्टियों के बीच रिश्तों में दरार आने लगी। 2014 का लोकसभा चुनाव तो दोनों पार्टियों ने साथ साथ लड़ा लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में पहली बार शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े और बीजेपी नंबर वन पार्टी बन गई। कुछ दिनों तक तो अलग रहे लेकिन फिर दिसंबर 2014 में शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। 2019 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात कर उनके ईगो को सेटिस्फाइड किया और शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। इस बार भी विधानसभा चुनावों से पहले अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करके सीटों का समझौता पूरा किया। आरएसएस नहीं चाहता कि दोनों पार्टियों के बीच मतभेद इतने गहरे हो जाएं कि वो अलग अलग चले और इसका फायदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को हो। इसलिए पिछले साल भी नितिन गडकरी ने नागपुर में संघ मुख्यालय पर जाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से लंबी चर्चा की थी। ये दिन था 11 सितंबर 2018 जब मोहन भागवत साहब का जन्मदिन होता है और उसके कुछ दिनों बाद फडणवीस साहब मिलने गए। संघ शिवसेना को हिंदुत्व पर कड़ा और मजबूत रुख मानने वाली पार्टी मानता है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जब बीजेपी नेता आडवाणी ने इसे जीवन का सबसे दुखद दिन कहा था तब बाला साहब ठाकरे ने इस पर अभिमान जताया था और दावा किया था कि ये काम शिव सैनिकों ने किया है। अभी उद्धव ठाकरे भी ना केवल अयोध्या के दौरे पर गए बल्कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाते रहे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करना ठीक नहीं समझा। बीजेपी नेता प्रमोद महाजन अक्सर कहा करते थे कि चुनावों में टिकट मिलने से पहले तो हर उम्मीदवार चुनाव भारी मतों से जीतने का दावा करता है, भले ही खुद उसे भी पता हो कि भाई साहब उसकी जमानत भी नहीं बचने वाली। लेकिन महाजन ये भी कहते थे कि राजनीति कोई रोडवेज बस की सीट पर रुमाल रखकर जगह बनाने का खेल नहीं है, यहाँ सिर्फ नंबर गेम चलता है। जिसके पास नंबर होगा वही बनेगा राजा।
इसका मतलब है कि चुनाव नतीजे बताएंगे कि किसको किसके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी राजनीति बड़े दिल वालों का खेल है, जो ना तो परमानेंट दुश्मन बनाते हैं और ना ही पक्के दोस्त। यहाँ रिश्ते और दोस्ती सिर्फ वक्त के हिसाब से चलते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दों पर, नए विषयों के साथ, आपके नए सुझावों को लेकर। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को कहिए कि आपकी तरह HS न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।